Welcome to the world of Kushti Wrestling. I am Deepak and today I am here in Punjab. This is Pritam Wrestling Club or Guru Pritam Akhada. So I am here with the senior most wrestler and guru of the Akhada. And let us have a talk with them about wrestling culture in Punjab, about their Akhada, and about their wrestlers and all. So let me introduce you to Pehlwan ji. Introduce karenge jo hum log baithe hain. He is the Guru Padarth Pehlwan. Guruji namaskar. Jagru Pehlwan. He is the best wrestler, one of the best wrestler of the Akhada and also Punjab. Jagru Pehlwan ji. Guruji namaskar. Lali Pehlwan. He is Lali Pehlwan, one of the best wrestlers. Sabha Pehlwan. And Sabha Pehlwan, which is met. बग्गा पहलवान एंड ही इज आल्सो बग्गा पहलवान. अखाड़े के बारे में मुझे जानना था. ये बहुत पुराना अखाड़ा चलता आ रहा है. शुरू तो पहलवान प्रताप सिंह उन्होंने बजुर्ग इतने योर करते रहे हैं. तो इन्हों बजुर्ग जिन्ना सरदार प्रीतम सिंह पहलवान उन्होंने नाम तो अखाड़ा चलता है. तो एक इस अखाड़े को करीब 1935-40 के करीब ये अखाड़ा चलता आ रहा. तो बहुत वधिया अखाड़ा चल रहा पहलवान इन्हों की निगरानी हेठ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ. ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 1935 ਵਿੱਚ. ਦੇ ਅਖਾੜਾ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਇਅਰਸ. ਐਂਡ ਅਖਾੜਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਹਾਲੀ. ਖੁਹਾਲੀ ਖੁਹਾਲੀ ਗਾਉਂ. ਖੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. ਤਹਿਸੀਲ ਇਜ਼ ਅਜਨਾਲਾ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਅਰ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਜ਼. ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾ ਕਲਚਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਤਾਈਏ? ਕੈਸੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਦੰਗਲ ਕੈਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ? पंजाब में ज़्यादा जी मिट्टी की कुश्ती होती है. मिट्टी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं. यहाँ दंगलों में पहलवानों का जैसे बिजनेस है जी. उनकी आय का एक स्रोत भी है दंगल. हाँ जी हाँ जी. अच्छा, तो क्या खासियत विशेषताएँ और क्या क्या उसमें प्लस पॉइंट और क्या नेगेटिव पॉइंट है पंजाब में आपको जो महसूस होता है इतना बड़े सीनियर पहलवान? प्लस पॉइंट ये है जी, पहलवानों की रोजी रोटी चल रही है दंगलों से. अच्छा. और नेगेटिव ये है कि इस मिट्टी दंगलों से पहलवान मैट पे नहीं आ पा रहे. और पंजाब में वैसे तो पंजाब में ज़्यादा अच्छा खाना पीना और खुराक अच्छी है और मेहनत भी अच्छी करते हैं. माहौल अच्छा है. माहौल भी अच्छा है जी. और लेकिन यही कारण है मैट पे नहीं आ पा रहे कि दंगलों के ज़्यादा रुझान है. अच्छा. मिट्टी के दंगलों में और ज़्यादा लंबी कुश्तियाँ कराते हैं. अच्छा. ज़्यादा लंबी कुश्तियाँ होती है और उससे पहलवान खड़े रहते हैं बाद में. तो जैसे दिल्ली में होती है मिट्टी पे भी कुश्ती होगी तो मैट के रूल से होती है. हाँ, दिल्ली में. हाँ, हरियाणा में भी अडॉप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को. हाँ जी, अभी इधर भी काफ़ी सुधार हो रहा है वैसे तो. अच्छा. तो ये था कि मतलब मैट की तरफ थोड़ा सा रुझान कम है पंजाब की कुश्ती का, लेकिन दंगलों की तरफ ज़्यादा है. तो पहलवान जी, पंजाब में जो पहलवान है दंगलों के, तो वो उनके हिंदुस्तान में क्या पोजीशन है उनकी पंजाब के पहलवानों की? काफ़ी अच्छे लड़के जो करते हैं. अच्छा. 10-12 लड़के होने हैं अच्छे जो. अच्छा. जंडी पे बोलने वाले. अच्छा. तो अच्छा प्राइज है, 2 लाख रुपए की बोली लग गया. तो इसी माहौल से सभी लड़के छोटे भी सभी इसी रिजाज से चल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं. और अगे भी अपने लड़के काफ़ी नाल जल जुड़े हैं. ठीक. तो पंजाब में जो कुश्ती है कहते हैं मिट्टी की तरफ ज़्यादा है, आपने बताया मैट की तरफ कम है. तो पहला जी, जो मैट जो टोटल मेडल आ रहे हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मैट पे, उनमें पंजाब के पहलवानों की भागीदारी कितनी है? बराबर है, ज़्यादा है या कम है और क्यों है? अभी तो पंजाब की जो पहलवान की भागीदारी बहुत कम है. अच्छा. क्योंकि जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक होता है इसमें भी, किसी भी गेम को ऊपर ले जाने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए. और पंजाब में खिलाड़ियों को पूरा उस तरह से अभी सुविधा नहीं दी जा रही जैसे हरियाणा में और दिल्ली में दे रहे हैं. और अगर फ्यूचर को हमें सिक्योर करना है पहलवानी में, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रेसलिंग के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा
टीम कोई ना कोई निकालती रहनी चाहिए, जिसके साथ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। इसी कारण पहलवान ज़्यादा दंगलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स नहीं है। इनकम का कोई सोर्स नहीं है। कितना पहले एक बड़े पहलवान आप हैं, कितना लग जाता है खाने में डेली? जी वैसे तो बहुत खर्चा आ जाता है, तकरीबन महीने का हमारा एक पहलवान का जो बड़ा पहलवान है 30-35 हज़ार तक उसका खर्चा है, केवल खाने का खर्चा। खाने का, बाकी कपड़े लगते हैं, किराया भाड़ा है और भी चीज़ें। तो इतना मेंटेन करने के लिए पहलवान को दंगल की तरफ जाना ही पड़ता है। हाँ जी, महंगाई भी बहुत हो रही है, तो फिर पहलवान अभी आगे जो जनरेशन है उसको बहुत मुश्किल आ रही है, क्यों इतना पैसा घर से नहीं ले ले आ पाते। और फिर दंगलों की तरफ जाता है तो कुश्ती स्लो हो जाती है। कुश्ती स्लो हो जाती है और मैच की तरफ नहीं है। मैच की तरफ नहीं, अभी ऐसा है जैसे हमारा अखाड़ा है अभी थोड़ा इसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। जैसे हमारा अखाड़ा है इधर छोटे बच्चों के लिए अलग से कोच भी रखा है और उनको काफ़ी सुविधाएँ हैं बच्चों को, तो इससे रिजल्ट अच्छे आएंगे, आ भी रहे हैं अच्छे। हमारे पंजाब में हमारे जो लड़के हैं तकरीबन नेशनल में भी उनके मेडल होते हैं। अच्छा, स्कूल नेशनल में तकरीबन इस अखाड़े के 5-6 लड़के तो होते हैं जिसके मेडल आते हैं गोल्ड आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे चल रहे हैं लड़के, आगे बढ़कर बहुत उम्मीद है उनके साथ, वो इस अखाड़े का हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो गोविंद से बात करूँगा कि एक चिंता तो है कि बच्चे व्यक्ति में ज़्यादा है और एक चिंता ये भी है कि मैट की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा पहलवान जी बता रहे हैं कि पार्टिसिपेशन हो रहा है मैट में, तो आज अपने बच्चे कुछ हैं जो आज नेशनल में जा रहे हो या? हाँ जी, अभी हमारे दो लड़के जो नेशनल वास्ते पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो वो अभी जाएंगे नेशनल में? हाँ। तो क्या नाम है उन बच्चों के? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह बिल्ला ऋषिपाल सिंह। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया नेशनल लेवल का और पंजाब के मैट के पोजीशन पे अपने खाली के पंजाब नेशनल किसे कहेंगे? पंजाब स्टेट कोई भी कंपटीशन हो। अच्छा, है उसमें कोई भी ये कि हमारे खाने के 2-3 गोल्ड है फर्स्ट जैसा है तो मैट पर भी भागीदारी है और मिट्टी पर भी भागीदारी अखाड़े की है लगी। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि मिट्टी हो या मैट में हो अखाड़े के अभी तक जो है कुछ बढ़िया बच्चों के बारे में उनकी क्या उपलब्धियाँ रही, आप बताइए। जगरू पहलवान है, ये दोनों तरफ मैट और मिट्टी में, इंटरवर्सिटी में भी उनके मेडल हैं। और लाली पहलवान है, ये भी स्कूल से इंटरवर्सिटी तक मेडल है और वर्ल्ड पुलिस में भी इस बार ब्रॉन्ज आया इनका। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस गेम। हाँ, वर्ल्ड। तो आप लाली पहलवान जी कहाँ गए वर्ल्ड पुलिस गेम में? अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर आपका मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आया वर्ल्ड पुलिस गेम में। तो पुलिस गेम्स में भी पार्टिसिपेशन है, नेशनल में भी है और मिट्टी में भी है और अब बच्चे आगे आ रहे हैं, एक नर्सरी भी आप बता रहे छोटे बच्चों की है, तो कुल मिला के पहलवानी मतलब एक ऊपर उठ रही है पंजाब में। हाँ, ऊपर उठ रही है, साई का विंग भी जहाँ चलता है। अच्छा, और तो पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का दो विंग। तो सरकार भी थोड़ी भागीदारी है, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इंटरेस्ट ले रही है, क्या फैसिलिटी है उनकी बस की? थैंक यू। पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 10 बजे क्योंकि साड़ी चोन। अच्छा, साई वालों 20 बजे। तो कुछ बच्चों को सरकार थोड़ा अडॉप्ट करके कुछ मदद कर रही है, ये बहुत बढ़िया बात है, सराहनीय कदम है सरकार का। इसीलिए कुछ ना कुछ मिले और देख के मैं भी प्रैक्टिस करूँ, मुझे भी कुछ मिलेगा। इसी तरह से अगर सरकार और भी ज़्यादा उपराले करेगी इस किसी भी गेम को आगे ले जाने के लिए, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से खिलाड़ी और ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वो अपने खाड़े अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो ये पहलवान जी कब से आपने अखाड़े में इतनी मतलब इस अखाड़े को उस लेवल तक पहुंचाने में पंजाब के बेहतरीन अखाड़े को क्या त्याग तपस्या करनी पड़ी आपको? लोग चेहरे बने देखो आजकल जो माहौल है सभी पैसे की दौड़ में, कोई इतना टाइम निकाल रहा है, लेकिन हमें सब कुछ त्यागना पड़ा, रात दिन अखाड़े में अखाड़े की सेवा करना है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक घर से भी आदमी को थोड़ा सा सपोर्ट होनी चाहिए। और आप आपकी सर्विस है कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रेसलिंग कोच आप, तो इसकी वजह से आपको समय मिल पाया
और पूरा समय आपने यहाँ पे लगाया। तो आप पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट में हैं या? अच्छा, तो ये है। अच्छा, एक बात जो मैं जनरली पूछना चाहूँगा कि आपके और आपके गांव के क्षेत्र में आसपास में इस कुश्ती अखाड़े से क्या बेनिफिट हुआ है बच्चों को, हेल्थ में या नौकरी में? इस तरह से नौकरी में काफ़ी बच्चे हमारे आर्मी में, पंजाब पुलिस में कोई। हाँ जी, बाकी जो इधर जो बॉर्डर एरिया है, नशे का बहुत दौर है, बहुत ज़्यादा है। गाँव के 80% बच्चे जो है कि नशा कर रहे हैं। नशा कर रहे हैं। जो इधर कुश्ती आ गया अखाड़े जो, अच्छा, वो एक चीज वही बचा हुआ है, वो वही बचा है। अच्छा, कोई भी गेम कर रहा है। हाँ, कोई भी गेम कर रहा है। तो अखाड़े ने आसपास के गाँव के लोगों को एक तो जागरूक किया है नशे से राहत लेने के लिए, और अपने 5-6 गांव हैं ये खाड़ा सेंटर में। सेंटर में तो बच्चे बचे हुए हैं गलत कामों से, नशे से, और उनको जिन्होंने कुछ किया उन्हें नौकरी रोजगार भी मिला है। उनके घर वाले भी ये सोचते हैं कि जो पहलवान तो बने जो ना हो, जो परमात्मा की देना है। लेकिन हमारा बच्चा नशे से तो बचे गया, गलत रास्ते ना पड़ जाए। और पहलवान जी जो नहीं भी अगर कुछ किसी को कुछ मिला तो शरीर तो उसका ठीक रहेगा ही, दूसरे पास जाएगा। आखिर में पहलवान जी आप क्या कहना चाहेंगे देश के पहलवान बच्चों को, कैसे पहलवान बना जाए और गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर क्या गुरु का सम्मान है, क्या शिष्य का? जो सम्मान करेगा उसमें छतरा छाया वही पहलवान बनेगा, जो कुछ नहीं समझेगा अपनी पर्ची करेगा वो तो पहलवान नहीं बनेगा। तो मैंने कुछ दे यही है कि मेहनत करो लगन से, देर रात एक करना पड़ेगा, वो तो परमात्मा की देन है, किसको तो मैंने कहीं वेदों में पढ़ा था गुरुजी कि जब कोई शिष्य अपने गुरुजी के पैर छूता है तो वो सबमिट करता है कि मैं गुरु के आज्ञा का पालन करूँगा और जो मुझे सिखाएंगे मैं सीखूँगा दिल मेहनत लगाकर। और गुरु भी जब उसको आशीर्वाद देता है तो गुरु की एनर्जी उसकी तरफ जाती है, तो गुरु का मन करता है कि यार ये बच्चा मेरे सामने झुक रहा है, मेरे आगे का पालन करेगा, तो मुझे भी इसे कुछ देना चाहिए। जो खाना मनेगा गुरु को उसके मेहनत कराने का दिल करेगा, जो नहीं मानेगा उसको एक बार कहेगा, दो बार ये तो नहीं मानता उसको, मतलब ध्यान नहीं देगा। तो इस पृष्ठभूमि में अपना खाना ठीक चल रहा है, बच्चे आपके आगे आप मान रहे हैं और कोई नहीं मानता? सभी मानते हैं इनके, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है, केवल इस अखाड़े में नहीं पूरे पंजाब में कुश्ती होनी, और नहीं सभी इनका आदर्श मान करते हैं और मानते हैं, सब मानते हैं, क्योंकि गुरु हैं इसकी वजह से, और बड़े पहलवान हैं। हाँ, इन्हीं की वजह से आज कोई भी प्लेयर इस अखाड़े का यहाँ भी, इन्हीं की वजह से है, अगर इनका मान नहीं करेगा तो फिर तो किसी का ठीक नहीं है, उसके सीखने का लक्षण नहीं है, वो बन नहीं सकता आगे ज़िंदगी में, ना नौकरी चाकरी का शरीर भी नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु का आशीर्वाद ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों की बातचीत लगभग संपन्न हो चुकी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया खाने का, धन्यवाद।